हेयर सिस्टम्स फॉर क्राउन एरिया। क्राउन एरिया होता क्या है? क्राउन एरिया कुछ ऐसा दिखता है। यूजुअली अ लॉट ऑफ मेन लूज हेयर इन द क्राउन एरिया। बहुत बार हेयर लॉस रिसीडिंग हेयरलाइन से होता है और बैक एरिया से होता है। सो यूजुअली व्हाट वी सजेस्ट इज, अगर आपका क्राउन एरिया में हेयर लॉस है, आप स्पेसिफिकली हेयर सिस्टम बना सकते हो ओनली फॉर द क्राउन एरिया। और उसके आगे का एरिया है, जैसे ये एरिया है, ये जैसे है वैसा ही रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, अगर आप वो बैक का एरिया कवर कर दोगे लो डेंसिटी के साथ, तो आपके फ्रंट के साथ वो मैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हेयर सिस्टम लगा देते हो ये एरिया में, फिर जब इनका लेंथ लॉन्ग रखेंगे तो इसका लेंथ इसके साथ मैच हो जाएगा। अब यूजुअली क्राउन एरिया हेयर सिस्टम से कवर करने के लिए मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं दो। एक होता है स्टिक ऑन, जो शेव करके स्टिक किया जाता है, और एक होता है क्लिप ऑन, जो क्लिप किया जाता है। नाउ यूजुअली वो बैक का एरिया कवर करने के लिए ये दोनों ही ऑप्शन अच्छे रहते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। बहुत बार क्या होता है, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चालू है या मिनॉक्सिडिल या पीआरपी जीएफसी ट्रीटमेंट, कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट चालू है और आपको होप है कि वो एरिया में हेयर ग्रोथ बेटर हो जाएगा, तो आप एक क्लिप ऑन हेयर सिस्टम भी लगा सकते हो वो क्राउन एरिया के लिए। अब लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड इफ यू आर प्लानिंग अ हेयर सिस्टम फॉर द क्राउन एरिया। कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो हेयर सिस्टम के लिए। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज कस्टमाइज दिस हेयर सिस्टम। कस्टमाइज मतलब जो उसका शेप होता है, आप कोशिश करिए हमेशा उसको एग्जैक्ट वही एरिया का हेयर सिस्टम आप डिजाइन करिए। अगर आप स्टैंडर्ड पीसेस लोगे तो उसमें जो आपका हेयर लॉस का एरिया है वो कभी कभी थोड़ा एडिशनल और शेव करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट यू शुड अवॉइड। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। हो सकता है कि आपका ये हेयर लॉस एरिया है, और अगर आपने कोई स्टैंडर्ड पीस लिया है तो उसका हो सकता है साइज थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो। अगर छोटा होगा तो ये जो एरिया है ये कवर नहीं हो पाएगा। अगर वो हेयर सिस्टम स्टैंडर्ड साइज बड़ा है तो आपका एग्जिस्टिंग हेयर, तो वो एरिया आपके एग्जिस्टिंग हेयर को शेव करना पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन वी ऑलवेज सजेस्ट कि कस्टमाइज्ड हेयर सिस्टम होना चाहिए क्राउन एरिया के लिए। एग्जैक्ट जो आपका शेप है वही यूजुअली आपको एग्जैक्ट कस्टमाइज करना चाहिए। जैसे इनका अगर शेप है, दिस इज हिज शेप, क्राउन एरिया का एग्जैक्ट शेप नहीं होता है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप स्टैंडर्ड सिस्टम्स नहीं ले और एग्जैक्ट आपके क्राउन एरिया के हिसाब से कराइए। और अगर क्लिप ऑन सिस्टम होता है तो वो साइज थोड़ा बड़ा होगा ताकि इधर क्लिप्स लग सके। क्लिप ऑन अगर आप चूज करते हो तो यूजुअली उसका साइज बड़ा होता है ताकि वो क्लिप आपके नेचुरल एग्जिस्टिंग बालों पे क्लिप हो सके। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंट। मैच इट टू योर एग्जिस्टिंग डेंसिटी। इसका मतलब ये है जो आपका हेयर लॉस हुआ है ये डेंसिटी समझो 0 है और ये डेंसिटी लेट्स से 60 है। अब बहुत जरूरी है कि आपका जो ये डेंसिटी है ये इससे मैच होना चाहिए। अगर ये डेंसिटी 80 हो जाता है तो ये हैवी हो जाएगा, और अगर ये 40 हो जाता है तो ये कम लगेगा। तो जो डेंसिटी है मतलब द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, जो अमाउंट ऑफ हेयर डाला हुआ है, वो ये एरिया से मैच होना चाहिए। अगर ये एरिया का डेंसिटी 60 है, सो मेक श्योर इसका डेंसिटी भी 60% होना चाहिए ताकि जब ये पहनते हैं तो वो सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। डोंट कीप द हेयर टू शॉर्ट। बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत शॉर्ट हेयर स्टाइल अभी अगर लगा रहे हो, लेकिन वो हेयर सिस्टम में बहुत शॉर्ट, जो बहुत क्रू कट होता है, मिलिट्री कट होता है, उसमें टॉप में लेंथ बहुत शॉर्ट होता है। हेयर सिस्टम्स में एक लिमिटेशन होता है, आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट अगर करोगे तो वो अननेचुरल लगता है और वो खड़े रहने लगते हैं। सो कीप इन माइंड व्हेन यू आर चूजिंग द हेयर सिस्टम और हेयर स्टाइल, बहुत ज्यादा लेंथ शॉर्ट नहीं रखिए, मतलब आधे इंच से भी कम इट्स नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज वो हेयर सिस्टम डालने के बाद इट स्टिल लुक्स स्लाइटली अननेचुरल क्योंकि उसको मूवमेंट नहीं होता है. सो मेक श्योर एटलीस्ट 1 इंच होना चाहिए विद द हेयर स्टाइल दैट यू चूज. द सर्क्यूलर डायरेक्शन शुड बी मेंटेन्ड. इसका मतलब क्या है, हर क्राउन में एक वॉल एरिया होता है. जैसे ये वॉल एरिया है, अगर आप देखोगे मोस्ट मेन हैव द वॉल एरिया जिसमें दिस इज कॉल्ड द वॉल एरिया. ये वॉल एरिया में सर्कुलर डायरेक्शन में हेयर होता है. तो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी डू इज, हम जब वो क्राउन एरिया बनाते हैं तो वो सर्कुलर मूवमेंट से हेयर इम्प्लांट करते हैं ताकि टॉप से वो पॉइंट आए और वो ही डायरेक्शन में हेयर रहे, वो सर्कुलर डायरेक्शन में, ताकि वो और नेचुरल लगे. The knotting should be flat. What I mean by this is, बहुत बार जो locally hair systems रहते हैं ये सब बारीकी से नहीं देखते हैं. Usually क्या होता है, इसका जो knotting रहता है वो बहुत bouncy हो जाता है. तो जैसे आपका एक hair system ये area में अगर हुआ तो उसका knotting बहुत bouncy रहता है. अब जब bouncy होता है वो ये area के साथ match नहीं होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो वो आप हेयर सिस्टम क्राउन के लिए जो प्लान करें उसका नॉटिंग फ्लैट होना चाहिए, विच मीन्स उसका नॉटिंग जो है, अगर ये बेस है तो उसका नॉटिंग फ्लैट होना चाहिए और बाउंसी नहीं होना चाहिए. अगर बाउंसी होगा तो आपके फ्रंट की डेंसिटी से वो मैच नहीं होगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द हेयर विच इज नॉटेड ऑन द बेस. ये जो डायरेक्शन है, जब वो पैच होता है उसके जो है डायरेक्शन में आपका नेचुरल हेयर ग्रोथ हो रहा है, वो ही है डायरेक्शन में वो हेयर पैच का भी हेयर नॉटिंग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर उसका हेयर ग्रोथ अगर आगे की तरफ है तो उसका नॉटिंग भी, जो हेयर सिस्टम होता है उसका नॉटिंग भी ये डायरेक्शन में होना चाहिए. अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ या लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में हुआ तो वो ब्लेंड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इनका डायरेक्शन ये है और अगर उसका नॉटिंग ऐसे हुआ है तो वो ब्लेंड नहीं होगा. आप ब्लेंड करने पे भी अगर वो अच्छी तरह उनके फ्रंट हेयर से ब्लेंड ही नहीं होगा. सो द डायरेक्शन ऑफ द नॉटिंग इज आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अनदर पॉइंट, इफ यू हैव कर्ली हेयर और वेरी वेवी हेयर, इन दैट केस व्हाट वी सजेस्ट इज कीप द हेयर स्टाइल शॉर्ट. Now what happens is, if you have very curly and wavy hair, obviously it becomes unruly, थोड़ा unmanageable लगता है. If you design a hair system which is as wavy or curly as yours, तो वो बहुत messy लगेगा at the back. तो हमारा suggestion usually यही होता है कि अगर आपका बहुत wavy है और curly है, आपका हमेशा जो length है वो थोड़ा short रखना चाहिए. Usually in curly and wavy hair, when you wear the hair short, वो जो वेव होता है या कर्ल होता है वो कम हो जाता है और इसके वजह से आपका ब्लेंडिंग और बेटर हो जाएगा. सो वी स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर आपका हेयर बहुत कर्ली और वेवी हेयर है, ट्राई टू मेंटेन शॉर्ट हेयर स्टाइल, नॉट अ वेरी शॉर्ट हेयर स्टाइल, लेकिन इतना शॉर्ट ताकि वो वेव और कर्ल्स कम हो जाए. एंड देन चूज अ हेयर सिस्टम विच इज स्लाइटली स्ट्रेटर ताकि वो आपके नेचुरल हेयर से पीछे से ब्लेंड हो जाए. अगर पीछे का जो क्राउन एरिया है वो मैच ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली आपका फ्रंट का डेंसिटी थोड़ा कम हो चुका है और वो वेवी है, और ये एरिया में अगर आप वेवी और कर्ली डालते हो बहुत अनरूली, बहुत अनमैनेजेबल लगेगा. तो दैट्स व्हाई वी सजेस्ट दैट कीपिंग अ स्लाइटली सिंपल शॉर्ट हेयर स्टाइल ताकि वो एरिया कवर हो जाए, नीड भी लगे और ब्लेंड भी हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ इट्स अ स्टिक ऑन, मतलब आप शेव करके लगाने वाले होंगे, तो हमारा सजेशन यही है आप प्लीज खुद सीख लीजिए क्योंकि ये मुश्किल काम नहीं है और आपको हर 20 दिन वो सर्विसिंग करना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा वो सर्विस करने के लिए. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग और मे बी 5 to 10 years. तो हमारा सजेशन ये है, अगर आप एक स्टिकॉन प्लान कर रहे हो तो कोशिश करिए आप ही सीख लीजिए ताकि आपको हमारे जैसे लोगों की या किसी और की भी जरूरत ही नहीं पड़े. शायद हो सकता है पहले आपको थोड़ा मुश्किल होगा बट धीरे धीरे यू विल गेट इट एंड यू विल बी फ्री, यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी. सो वी पर्सनली फील दैट शेव ऑफ दैट एरिया, एक बार आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो कराइए और फिर आप प्रैक्टिस करिए खुद ही करना, नथिंग बेटर देन दैट बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी देन। और अगर क्लिप ऑन है तो आपको कोई इशू ही नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको किधर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप खुद लगा सकते हो और खुद निकाल सकते हो, तो इट्स वेरी वेरी इजी। वेल इफ यू आर समबडी हु हैज दैट क्राउन एरिया थिनिंग और आप कंफ्यूज हो कि आपको स्टिक ऑन लगना चाहिए या क्लिप ऑन होना चाहिए या आपका क्या साइज है, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप अस ऑन 9322666111। आपके इमेजेस भेजिए और आपके जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो भेज दीजिए, हमारे कंसल्टेंट्स उसको एनालाइज करेंगे एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड गिव यू द राइट एडवाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अमेरिकन हेयरलाइन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्राउन एरिया यू कैन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी शैल गो थ्रू इट एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।